यूपी में दलित व्यक्ति का काटा प्राइवेट पार्ट। अरे ये तेरी लटा था कि तो ही देख ले, तू ही ज्यादा बन तो चमरा। गर्भवती पत्नी के साथ भी की मारपीट, तू ही ज्यादा बन तो चमरा, जान से खत्म कर देंगे हम तुझे। योगी राज में दलितों का जीना हुआ मुहाल। लिंग काय से काटा, किसने से काटा? सर चाकू से काटा सर। यूपी के एटा में एक विभत्स घटना सामने आई है। यहां पेड़ काटने को लेकर शुरू हुए विवाद में कथित ऊंची जाति के लोगों पर एक दलित युवक का लिंग काटने और गर्भवती महिला को बुरी तरह पीटने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद से परिवार इतना डर गया है कि उसने गांव तक छोड़ दिया है। दरअसल पूरा मामला एटा जिले के हसनपुर गाँव का है। 14 जून को पीड़ित सत्येंद्र के खेत में खड़े बबूल के पेड़ काटने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि पीड़ित सत्येंद्र जाटव ने गांव के रहने वाले विक्रम सिंह ठाकुर और सत्येंद्र उर्फ भूरे ठाकुर को पेड़ काटने से रोका था। तब इससे नाराज कथित ऊंची जाति के लोगों ने पीड़ित सत्येंद्र का लिंग काटने की कोशिश की। पीड़ित को गंभीर चोट आई है और उसके प्राइवेट पार्ट पर करीब 12 टाके लगे हैं। इतना ही नहीं, उसकी 5 महीने की गर्भवती पत्नी के साथ भी मारपीट की गई। लड़ाई की क्या वजह है, क्यों लड़ाई की? सर ये खाद डाल रहे थे वहाँ पर, हमारा पेड़ था ये बबूर का, तो हमने की पेड़ मत काटो, अपनो खात बल लो हमारी जगह में थी, तो हमने बोला हमारी जगह तो वहाँ तक लट्ठा तक। अरे ये तेरी लट्ठा तक तो तू ही देख ले, तू ही ज्यादा बन तो चमरा, जान से खत्म कर देंगे हम तुझे। लिंग काय से काटा, किसने से काटा? सर चाकू से काटा सर। किसने? देखकर हमने। अच्छा, क्यों काटा? लड़ाई में सर उसमें फावड़े भी थे और चाकू था और बका भी था, वहाँ पर पेड़ काट रहा था। गांव की कुल आबादी 300 लोगों की है, लेकिन दलितों के सिर्फ 4 परिवार हैं और इसमें भी 10 लोग ही रहते हैं। आरोप है कि कथित ऊंची जाति के लोग अक्सर दलितों को परेशान करते रहते हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दिनांक 14 ग्राम हसनपुर थाना कोतवाली बिहार में बबुल के पेड़ को काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें वादी सत्येंद्र को और उसके प्राइवेट पार्ट में छोटे स्किन डेप है तथा हार्ट एंड ब्लड अभियुक्त से आना अंकित है। मेडिकल रिपोर्ट प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यूपी में राम राज आ चुका है, लेकिन राम राज में दलितों के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की जा रही हैं। यूपी में बढ़ते दलित उत्पीड़न को रोकने में योगी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। सवाल उठता है कि योगी राज में क्या जातिवादियों को दलितों पर जुल्म करने की खुली छूट मिली हुई है? इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YesB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।